चलिए शुरू करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जब हुई उस टाइम वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में? उन्होंने कहा था इट रिप्रेजेंट्स माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीज। इट रिप्रेजेंट्स माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीज। एक थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, टू इट्स फॉल, एंड माय एम्बिशन इज टू विटनेस इट्स पीसफुल डिमाइज, पीसफुल डिमाइज। अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, इन्होंने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, बेगिंग इंस्टीट्यूट। लॉर्ड डफरिन ने कहा था इंडियन इट रिप्रेजेंट्स माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीज। ओके, 28 दिसंबर 1885 को। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था उस टाइम इसे इंडियन नेशनल यूनियन बोलते थे, इंडियन नेशनल यूनियन, यूनियन। बाद में लीडर्स ने कहा इसका नाम बदलना चाहिए और इसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को इसकी स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये फर्स्ट सेशन जो था ये कहां हुआ था? फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे, बॉम्बे, और इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। ये फर्स्ट सेशन जो है ये पुणे में होने वाला था पर ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इसे शिफ्ट किया गया बॉम्बे में। अभी तक हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके स्थापना के समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की जबकि इसके प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी थे। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे जो कि पुणे में होने वाला था बट ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इसे शिफ्ट किया गया बॉम्बे। सो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था उसे इंडियन नेशनल यूनियन कहते थे और उस टाइम प्रेसिडेंट जो उस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था इट रिप्रेजेंट्स माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीज। आइए अब हम डिफरेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखते हैं। हम केवल इंपॉर्टेंट सेशंस ही देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस के। पहला 1885 कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ये कौन थे इसके प्रेसिडेंट? डब्ल्यू सी बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी।
दूसरा सेशन 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी लिखी है। मद्रास, मद्रास स्टेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बद्रुद्दीन तैयब जी, अलाहाबाद फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यू। बॉम्बे, विलियम रेडबर्न, ये जो थे ये इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये दो बार बने 1896। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। और सयानी जो थे वो थे इसके प्रेसिडेंट, और इसी टाइम सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता में ही 1911 में। विश्व नारायण जब थे प्रेसिडेंट, विश्व नारायण 1900 रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 का भी सेशन कलकत्ता में हुआ, 1911 का भी सेशन कलकत्ता में हुआ। और इस टाइम सयानी थे, इस टाइम विश्व नारायण थे, इस टाइम सबसे पहले वंदे मातरम, इस टाइम सबसे पहले जनगण मन 1896-1911। रास बिहारी बोस, इस टाइम हुआ लखनऊ में, सॉरी सूरत में, जिसे सूरत स्प्लिट के भी नाम से जानते हैं, और इस टाइम मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों में विभाजित हो गया कांग्रेस। मॉडरेट्स जो थे ये अर्बन पीपल थे, और एक्सट्रीमिस्ट दे आर मोस्टली फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड। 1911 विश्व नारायण कलकत्ता, विश्व नारायण कलकत्ता, और इसी टाइम इन्होंने जनगणमना 1916 इस टाइम थे मजूमदार, ये हुआ था लखनऊ में सेशन, और इस टाइम
इंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन मजुमदार लखनऊ में। 1923 दिल्ली 1923 दिल्ली अबुल कलाम आज़ाद जो थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। 1922 जो था वो गया में हुआ था और इसके जो थे प्रेसिडेंट वो थे चित्रंजन दास, सी आर दास। 1923 दिल्ली में। 1924 जो था बेलगाम ये जो था कर्नाटका में है और इसके प्रेसिडेंट थे M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। 1925 जो सेशन जो है कानपुर में हुआ जो सरोजनी नायडू थी। 1917 एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल टू प्रेसाइड ओवर द सेशंस ऑफ कांग्रेस, पहली प्रेसिडेंट थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया, उसके बाद सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। 1929 लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज कौन थे? जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की इन्होंने। 1930 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। 1938 हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस गुजरात में है हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस ये प्रेसिडेंट थे। 1939 में एक मतभेद हो गया सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी के बीच। महात्मा गांधी चाहते थे जो सीतारमैया है, पिट्टू सीतारमैया वो जो हैं बने प्रेसिडेंट, जबकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे वो बने, और इससे दोनों के बीच में लड़ाई हो गया और सीतारमैया जो है वो हार गए और इसे महात्मा गांधी ने अपनी हार माना और इस सुभाष चंद्र बोस भी नहीं बने। अल्टीमेटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने 1939 में। 1939 त्रिपुरी सेशन ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जे बी कृपलानी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, यंगेस्ट जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। 1923 अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली, ये है इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1922 गया चित्रंजन दास, 1917
रास बिहारी बोस 1907 सूरत स्प्लिट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब हुई उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट सेशन? डब्ल्यू सी बैनर्जी। सेकेंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सेकेंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। थर्ड सेशन बद्रुद्दीन तैयब जी 1887 फर्स्ट मुस्लिम। 1888 जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिशमैन। फर्स्ट फीमेल 1917 एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अबुल कलाम आज़ाद। '1922 सेशंस कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? गया। 1938 कहाँ पे कांग्रेस का सेशन हुआ था? हरिपुरा। प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1907 में कहाँ पे विभाजन हुआ था? सूरत में। कहाँ पे एकीकरण हुआ था 1916? इस टाइम थे रास बिहारी बोस, इस टाइम थे मजूमदार। ये हुआ था लखनऊ में। 1929 कौन प्रेसिडेंट था? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट स्वराज। 1930 कौन प्रेसिडेंट था? कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पर सेशन हुआ था? बेलगाम। कौन किया था? एम के गांधी। 1925 सेशन कहाँ हुआ था? कानपुर। कौन किया था? सरोजनी नायडू। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ओके, थैंक यू।